कई बार हमें अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, जैसे चाहे जो हो जाए तुम उससे शादी नहीं करोगे, चाहे जो हो मैं इस टीम में नहीं खेलूंगा, चाहे जो हो जाए वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। फ्रेंड, जिन भी हिंदी वाक्यों में चाहे जो हो जाए या चाहे जो हो देन चाहे जो भी हो बोला गया हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वॉट एवर में हैपन का यूज करते हैं। आइए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम वॉट एवर में हैपन लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस जो भी होगा हमारा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, चाहे जो हो जाए अब यहाँ नहीं रहूंगा। वॉट एवर में हैपन आई विल नॉट लिव हेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चाहे जो हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगा। वॉट एवर में हैपन आई विल नॉट गो बैक। एग्जाम्पल है, चाहे जो हो जाए तुम उससे शादी नहीं करोगे। वॉट एवर में हैपन यू विल नॉट मैरी विथ हर। एग्जाम्पल है, चाहे जो हो वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। वॉट एवर में हैपन ही विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस।